हम रहें या ना रहें, हमारी इस वर्दी का गौरव हमेशा रहेगा। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, एक रियल आर्मी लीडर कैसा होता है वो आपको सैम बहादुर मूवी में देखने को मिल जाएगा। वो एटीट्यूड, वो शार्पनेस, वो कमांड, उसकी हर चाल में वो छोटे से छोटे एक्शन ही क्यों ना हो, वो बैलेंसिंग कमांड एंड बैलेंसिंग एटीट्यूड और लास्ट में छोटा सा एनर्जी का तड़का विल मेक्स अ फाइन एंड डेफिनेटली शार्प लीडर। भाई आपको ये सब कुछ विकी कौशल में देखने को मिलने वाला है सैम बहादुर मूवी में। भाई ऑसम यार, ये बंदा फाड़ के जाने वाला है। भाई बॉड कुछ भी कहो, ये मूवी विकी कौशल के एटीट्यूड पर फाड़ के जाएगी, क्योंकि उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक में हमने क्या देखा था, मेजर बिहान को देखा था, लेकिन इस बार हमको इस मूवी में क्या देखने को मिलने वाला है, एक फील्ड मार्शल जिसके अंडर में आर्मी, सिर्फ एक छोटी मोटी आर्मी नहीं, पूरी इंडिया की आर्मी उसके अंडर में रहने वाली है, उसके कंट्रोल में रहने वाली है, और उसका जो ये करने वाला है ना तबाही, वो ट्रेलर में उसके एक्शन से, उसके एटीट्यूड से, उसके चाल चलन से देखने पर साफ पता लग रहा है। भाई जो एटीट्यूड है इस बंदे का एज एग्रेसिव लीडर हु ऑलवेज ट्राई टू स्टैंड फॉर हिज सोल्जर एज वेल एज हिज कंट्री, भाई बहुत फाड़ होने वाली है ये मूवी। बाय गॉड, दिस किलर एटीट्यूड विल डेफिनेटली टेयर आउट द स्किन्स। बिल्कुल, क्योंकि यार जो टूट के बरस रहा है ना ये बंदा, देखो टीजर आया था, टीजर में चलो ठीक है, एक बार के लिए लग रहा था कि इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन ट्रेलर में भाई बहुत अनएक्सपेक्टेड, मतलब इतना सोचा भी नहीं था इतना कि उसमें मिल रहा है। मतलब हर चीज़ पर, हर एक एक्शन पर, छोटे से छोटे मोमेंट्स पर ऐसे गूज़बम्स उठ रहे हैं। भाई जो 1 तारीख को एनिमल मूवी आने वाली है ना, क्योंकि सैम बहादुर भी 1 दिसंबर को रिलीज होने वाली है, तो 1 तारीख को जो मूवी आने वाली है एनिमल, जिसका क्लैश होने वाला है इसके साथ, जो बहुत चर्चे में है मूवी, दोनों मूवी की हाइप अब यहाँ हो चुकी है। अभी तक सैम बहादुर का टीजर देख के लग रहा था कि ये मूवी यहाँ है, लेकिन जब ये ट्रेलर आया है भाई, ये पूरा टक्कर देने वाली है इसको। मतलब एक तरफ मसाला होगा, ठीक है, और दूसरी तरफ ये रियल बायोग्राफी का तड़का, और जो ये फाड़ने वाली है ना, आपने बॉर्डर देखी है, आपने LOC कारगिल देखी है, भाई ये सब एक बार के लिए ये सब रिवाइव होने वाला है। इतना भयंकर जिसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि एक अकेला एक ये लीडर, मतलब विकी कौशल, ये अकेले अपने दम पर, अपने कंधे पर ये मूवी उठा के ले जाने वाला है और फाड़ के उठा के ले जाने वाला है, क्योंकि इसका पोटेंशियल यार बहुत हाई पोटेंशियल लग रहा है। दूसरा, डायलॉग्स आर सुपर सुपर अमेजिंग, मतलब इसमें आपको इतना ज़्यादा इमोशन भी देखने को मिलने वाला है। दूसरा, आपको डायलॉग्स ऐसे बेस्ट ऑफ बेस्ट मिलेंगे, हर टाइम आपको इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे, जगह जगह पर आपको ऐसे गूज़बम्स उठने वाले हैं। लाइक कि एक डायलॉग्स मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट वाला है कि जब उसका कॉलीग उसे बताता है कि जिन्ना आपको क्या कहते हैं पाकिस्तानी आर्मी में लेना चाहता है, तो वो बड़ा ये प्यारा जवाब देता है यहाँ पर एकदम एटीट्यूड के साथ, वही गरज के साथ, कि अमृतसर की पैदाइश हूँ, बीवी बम्बई की है, काम दिल्ली में करता हूँ, इससे ज़्यादा इंडियन और क्या हो सकता हूँ। जिन्ना साहब ने खुद तुम्हें पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने के लिए कहा, क्या सोचो तुमने इस बारे में? अमृतसर की पैदाइश हूँ, बीवी बम्बई की है, दिल्ली में काम करता हूँ, इससे ज़्यादा इंडियन क्या हो सकता हूँ। तो भाई ये खतरनाक था, भाई बहुत खतरनाक था, मतलब राइटिंग बहुत सॉलिड हुई है, बहुत ही सॉलिड हुई है। देन सेकंड डायलॉग, वो प्राइम मिनिस्टर से सीधा कॉन्वर्सेशन एंड विदाउट हेजिटेशन, विदाउट फिल्टर। बहुत से लोग होते हैं कि सामने आपके बड़ी पोस्ट का बंदा है तो एक चापलूसी वाली बातों से घुमा के बात करना चाहते हैं, मीठी मीठी बातों में अपनी बातें रखना चाहते हैं, बट ही ऑलवेज जैसे अपने सैनिकों से बात करता है, वही एटीट्यूड प्राइम मिनिस्टर के साथ भी दिखा रहा है। तो ये चीज़ बड़ी शानदार देखने को मिल रही है, लाइक कि वो वाला कॉन्वर्सेशन विद अ हाई पोटेंशियल ऑफ कमांड, जब प्राइम मिनिस्टर उससे कहती है कि सैम तुम कुछ करने वाले तो नहीं हो, इट मीन्स ये कि कुछ जंग वगन तो नहीं छेड़ने वाले हो, और एक क्वेश्चन मार्क वाला छोड़ती है कि तुम नहीं कर सकते ना, देन वो एटीट्यूड में रिटालिएशन, एकदम से जवाब देना कि कर नहीं सकते या करूँगा नहीं। नियत और काबिलियत में फर्क है प्राइम मिनिस्टर। तुम नहीं कर सकते। कर नहीं सकता या करूंगा नहीं, काबिलियत और नियत का फर्क है प्राइम मिनिस्टर। तो ये वाला ना भाई सॉलिड हुआ है। एंड तीसरा, ये डायलॉग बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मतलब मेरा तो बेस्ट होने वाला है, बिल्कुल बेस्ट होने वाला है, कि हम रहे या ना रहे, लेकिन ये वर्दी का गौरव हमेशा रहेगा। हम रहे या ना रहे, हमारी इस वर्दी का गौरव हमेशा रहेगा। भाई बहुत प्यारा यार, देखो राइटिंग बहुत प्यारी करी गई है, डायलॉग्स बहुत प्यारे हुए हैं। ये तो सिर्फ ट्रेलर है,
पूरी मूवी बची है, पता नहीं 2-2.5 घंटे की कोई मूवी होगी, मुझे अब रनिंग टाइम मालूम नहीं है, लेकिन जो पूरी मूवी में तड़का मिलने वाला है, एवरी टाइम आपको इतना मोटिवेशन करेगा, इतना मोटिवेशन दे के जाएगा। खासकर यार मैं कहूँगा यंगस्टर्स के लिए ये मूवी बेस्ट होने वाली है, बेस्ट चॉइस होने वाली है। यहाँ से बहुत इंस्पिरेशन और बहुत मोटिवेशन और बहुत कुछ सीखने को भी मिलने वाला है, तो मूवी फाड़ के जाने वाली है। अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा है तो एक बार आप ट्रेलर देखो, भाई सॉलिड ट्रेलर है यार। विकी कौशल ये बंदा कुछ भी कहीं पर भी फिट हो जा रहा है, आप कॉमेडी में ले लो कॉमेडी में फिट हो जा रहा है। अभी कुछ महीने पहले ही, कुछ महीने नहीं एक आध महीने पहले ही द ग्रेट इंडियन फैमिली आई है जिसमें पूरा कॉमेडी करेक्टर है। उससे पहले गोविंदा नाम है मेरा वो आई थी, कॉमेडी करेक्टर है। उससे पहले एक भूत वाली मूवी आई थी, आई थिंक भूत ही नाम था उसका, तो उसमें एक अलग करेक्टर है। उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक में हमने मेजर विहान सिंह को देखा भाई, तो ये नाउ अब हम एक नंबर वन लीडर को देख रहे हैं जिसके कंट्रोल में सब कुछ है और वो रिएक्ट भी ऐसे ही कर रहा है। तो भाई ये सॉलिड सॉलिड मूवी होने वाली है भाई, आपने ट्रेलर नहीं देखा है तो ट्रेलर जाके जरूर देखो। बाकी सैम बहादुर के लिए दिल से वेट है। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।